भाई, ये देखो ये देखो, और बहुत हल्का वजन लगा रहे हैं हम जब ये। अब अगली गाड़ी अपनी जो रहने वाली है ये रहेगी, या एक और ऑप्शन है अपने पास। ठीक है भाई ने चेक करा दिया भाई, मेरे को टूल पाने सारे इसके जितने भी हैं। हमारी सेल्फ इसमें लगा पेट्रोल पंप से पहले। भाई आपको भी लगी ऐसे बैठ के, मतलब छोटी छोटी थोड़ी सी सीटें वगैरह ना। हाँ ये भी चौड़ाई भी कम लग रही है ये चीज, और वो चीज मतलब टच सी हो रही है ऐसे। ये चीज तो स्कॉर्पियो में बैठती है। तो भाई इसकी जो ये DRR है ना, ये ऐसी लग रही है जैसे इसके ऊपर से लग रही हो। ये ग्लास है फिर इसके ऊपर से भी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई जैसे आपने टाइटल थंबनेल देख लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं भाई थार रॉक्स। हाँ भाई हम जा रहे हैं अभी थार रॉक्स देखने। तो अभी गुड़गांव के शोरूम में आ चुकी है वो, और मेरे पास ना मैसेज आ गया था कि भाई आज उसकी अनवीलिंग है। दिल्ली में तो हो चुकी थी कल परसों में, तो मैं वहाँ उस दिन जा नहीं पाया, उस दिन बिजी था। तो आज मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि 3 बजे का प्रोग्राम है आज, और वो 3 बजे उसकी अनवीलिंग वगैरह होगी। तो भी जा रहे हैं मैं और मेरा भाई, हम जा रहे हैं बादशाहपुर। तो उधर वाले शोरूम में है कॉन्सेप्ट महिंद्रा, तो वहीं जा रहे हैं, देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है, और क्यों है या नहीं है। हाँ, और क्यों देखने जा रहे हैं, किस लिए देखने जा रहे हैं, वो आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा आप सभी को। गाइस अभी आ चुके हैं भाई महिंद्रा के शोरूम में, ये रहा महिंद्रा का शोरूम, अभी अंदर चलते हैं, भीड़ तो हो रही है यहाँ पर। खींच के ये वन जो पड़ा था पीछे को, बहुत देर हो गई है, पूरी भीड़ तो हो गई इकट्ठी। भाई 3 बजे बुला दे, टाइम देखिए कितना हो रहा है तेरे फोन में, 3:55 भाई भाई। तो अभी देखते हैं भाई, भीड़ दिखा रहे हैं, क्राउड है। केक वेक रखा है बढ़िया, मिलेगा केक देंगे, केक तो खाने आए हम यहाँ, गाड़ी वाड़ी तो देख रखी हमने। चल मुंह में पानी आ गया, बहुत हो गया। यहाँ से जिमनी जैसी क्यों लग रही है, लाइट अच्छी नहीं है पीछे की, लाइट तो चेंज वैसे लग जाएगी बाहर से। पांच वालों ही नहीं लगेगा, अगर लगेगा ना तो कैमरे की दिक्कत आएगी, क्योंकि कैमरा इसमें कंपनी से दिया हुआ है, तो पांच वालों में दिक्कत पड़ेगी भाई। ये पता करो बाद में यहाँ कैमरा नीचे लगवा देंगे। वो खुल गई डिग्गी, खुल जाएगी पहले। तो भाई डिग्गी चेक करो इसकी, लो भाई सब बैठ गए इसमें, लो भाई खुलने की देर नहीं, लो महिंद्रा में सही मैट यहीं से, करोल बाग से बाद में लगाते, पहले यहीं की लगवा लिया हमने। वो बात की थी करोल बाग की, चॉकलेट का डब्बा भाई अंदर रख देना इसमें। ठीक है भाई ने चेक करा दिया भाई, मेरे को टूल पाने सारे इसके जितने भी हैं। अपने पीछे लगी रही है, वो अब शीशा बंद करते, शीशा टूट जाता। तो भाई अभी फ्रंट की लुक भाई गाड़ी की ये है, गाड़ी नो डाउट अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिल इतनी ज्यादा बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे थे, और ये भाई पहले जैसी है, इसके अंदर गाड़ी तो ठीक लग रही है भाई। अभी अलॉय चेक करो भाई इसके, इसकी जो प्रोफाइल दी है कंपनी ने 255/65R18 वही बात तो कौन सा वेरिएंट है। अच्छा भाई ये टॉप से एक नीचे वाला है जिसमें पैनोरामिक नहीं है, सिंगल वाली है ये, तो ये पैनोरामिक वाली नहीं है भाई, ये सिंगल सनरूफ वाली है। तो इसके अंदर जो टॉप एंड है उसके अंदर 19 है, इसके अंदर 18 इंच है भाई, और लोहे का डिजाइन भी शायद चेंज है मेरे को लग रहा है, जैसा कि वो चेक कर लो भाई, साइड मेरे बड़ा सा लग रहा है थोड़ा, और ऑटो फोल्ड वाला है ये। ये मिड वेरिएंट कैसी लग रही है जी गाड़ी? गाड़ी बढ़िया लग रही है। तो ले लेओगे फिर है? कोई कोई अभी कहाँ भाई, इसकी रेट लिस्ट ये है जो कि मेरे पास आ चुकी थी पहले, ये भी इनकी 15 अगस्त वाली है। लो भाई ये वाला वेरिएंट है, MX5 MX5 डीजल वाला। हां हां ठीक है, AX7 है वो उसका टॉप होल्डर। देखो ये बल्ब अंदर छुपा रखा महिंद्रा ने, ऐसे लगाया जैसे LED वगैरह हो, इन दोनों लाइनों के बीच में वही बल्ब है इसके, ये देखो। तो ये है नीचे रिफ्लेक्टर वगैरह कुछ नहीं है, खाली जगह है पूरी, पीछे से ऐसे ही कुछ है देख सकते हो, ये इधर इसका कैमरा दिया हुआ है। अगर पाँच वाला ही लगेगा ना इसके अंदर बाहर से आफ्टर मार्केट, तो भाई इसमें कैमरे की थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है, नहीं तो फिर नीचे लगवाना पड़ेगा जो कंपनी से कैमरा है इसका।
ये जो डिजाइन था ये भी ठीक लग रहा है, ज्यादा खराब नहीं है। अभी जैसे नई नई आई है तो उसके बाद ठीक लगने लगेगी। और देखो भाई डोर 90 डिग्री खुलते हैं इसके साइड वाले, ये देखो अगर आप अंदर से दिखाऊं तो भाई ये चीज देखो, ये तो वैसी ही पुरानी वाली जैसे पुराने किए थे, ये चेक कर सकते हो। और भाई ये पूरा लग्जरी पूरा वाइट कर दिया ही। और ये सीट देखो भाई, ये इसकी सीट्स रहने वाली है। तो भाई देख सकते हो सनरूफ चेक करो भाई, ये इतनी कुछ सनरूफ है। और साइज की बात करें तो स्टेयरिंग देख लो भाई, ये चेंज है स्टेयरिंग इसके अंदर, XUV 700 है। और इसमें पूरी MID में देख सकते हो पूरी ऐसी आ रही है। ये देखो भाई कितना छोटा सा, इसमें तो एक गड्डी आएगी बस, छोटी लग रही है। मैंने आगे बैठने में जीप वाली क्लीन आ रही है कि जीप कमाल चल रहा है जी, मेरे को लग रहा है छोटी छोटी सी है, है ना। ये यहाँ पे आप पैर थोड़ा सीधे करो, फिर कंपनी के लिए बड़े उसके लिए सीधे करो ना पैर। हाँ देखो यहाँ पे ये दिक्कत तो है, अगर पीछे फिर पीछे भी तो कर सकते हैं, पीछे कर लो कितना करोगे, पीछे भी तो बैठने का ये भी है, थोड़ा सा पीछे करके देखता हूँ। तो भाई ये भाई कह तो ठीक रहे हैं, भानु सही मजा आ रहा है। एक बार तू बैठ के देखियो, तेरी हाइट 6 फुट है, देखियो। चल भाई चल लेके चल, होगी डिलीवरी मार सेल्फी में लगा पेट्रोल पंप पे पहले तेल ला इसमें। ये इंटीरियर है इसका थार का, सीट पीछे करिए एक बार देखियो भाई, पीछे को याद होना ना ना आ रहे ना पीछे की काम और कर पूरी है लास्ट ही है। दिखाइयो कैमरा दे, अब टांग देख सही करियो, कंफर्टेबल है मतलब ज्यादा इसकी वो नहीं है, मतलब छोटी सी लग रही है ना। हाँ मतलब ये जितनी शिफ्ट है हमारी। तो भाई अरे ऐसे ना लैग स्पेस की बात कर रहे हैं जो सनरूफ इसका, वरना मेरे पास वरना काफी चौड़ा जो बात है। अरे वरना हम निकलते हैं ना ये सीट को बहुत आगे करता है, जब निकलना पड़ता है पीछे वाले सीट को तो या तो यहाँ खड़ा होना पड़ता है या उधर सीट पर। फिर वो ये की ये है तो भाई इसका ये जो टच वगैरह ये कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो। तो ये पूरा कंट्रोल वही है, साइज थोड़ा इधर से लग रहा है जैसे छोटा है पर सही है, क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो पुरानी वाली थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी लगती है पर साइज बराबर है, क्या पता अभी बैठे बैठे इसलिए लग रही हो ये ऐसी। तो भाई इसकी जो ये DRR है ना ये ऐसी लग रही है जैसे इसके ऊपर से लग रही हो, ये ग्लास है फिर इसके ऊपर से भाई कैसा है ये देख, ये जैसे ऊपर से लगा रखी हो जैसे आफ्टर मार्केट है ना। तो भाई ये ना देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से लग रही हो, ये पूरा लेंस रहने वाला भाई इसके 3 इंच वाले। तो फ्रंट से ऐसी कुछ है, अब मैं इसकी कमी गिनाऊँ तो कमी तो भाई एक अंदर थोड़े स्पेस से कम लग रहा है इसका, और वैसे नो डाउट ठीक है ये वाले अलॉय अच्छे नहीं लग रहे, इसके साथ मैच नहीं हो रहे तो पब्लिक वो चेंज ही करा देगी। और ये वाले अपने ऑटो फोल्ड वाले अपने मिरर रहने वाले हैं साइड मिरर, तो पूरी गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रोड पर बन के मॉडिफाइड होकर निकलेगी ना जब तक भी लगेगी ये दिखाऊँ, बम्पर दिखाऊँ कितना हैवी है इसका, ये देखो ये तो शिफ्ट जैसे शिफ्ट का भी इससे सही है। देखो भाई ये देखो और बहुत हल्का वजन लगा रहे हैं हम जब ये इसको बंदे चढ़ जाते थे पुरानी, ये बम्पर थोड़ा है हल्का पर बंदे इसको नो डाउट बाहर से चेंज करा लेंगे। ये देखो भाई मैं ना पीछे बैठ के देखता हूँ, पीछे ये रिक्लाइन हो जाती है सीट तो सही है, रियर AC हो गया अपना और भाई साइड में क्रोम हैंडल वगैरह हो गया। और सनरूफ की बात करें ये ऐसी है, और ये पीछे देख लो भाई ये आर्मरेस्ट हो गया अपना, ये रहा भाई आर्मरेस्ट। तो अगर स्पेस की बात करें नो डाउट सही स्पेस है ना, ठीक ठाक है। तो गाड़ी वैसे देखा जाए तो भाई दो आ जाएंगे लोंडा भी बैठा दिया पीछे, स्पीकर की प्लेसमेंट ये देख लो भाई ये यहाँ पे, और आगे ट्यूटर बोल रहे भाई डोर में कुछ नहीं मिलने वाला, डोर में कुछ नहीं है डोर में, इस वाले डोर में नहीं है, फ्रंट में स्पीकर की जगह भाई वही है जहाँ पर रहती है उधर उस वाले में। हाँ ठीक है, और इधर ये लाइट हो गई भाई, ये लाइट हो गई, ये हैंडल हो गया आपका पूरा, और ये इधर आ गया भाई आपके लिए कुछ रखने के लिए, ये इधर शायद वायरलेस नहीं, ये वायरलेस चार्जर नहीं है। तो ये रियर AC हो चुका है, ये पीछे का कुछ इस तरीके से है सारी चीज़ें। हाँ तो एक हैंडल आपको इधर मिल जाता है, एक इधर मिल जाता है, ये सीट बेल्ट एडजस्ट के लिए ऊपर नीचे है इसके अंदर भाई। भाई अभी अंदर देखते हैं भाई बैठ के कैसी लगेगी कैसी नहीं। लो भाई तो भाई बात करूँ तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत कर सकती है, थोड़ा सा है स्पेस अंदर की तरफ, इधर थोड़ा पीछा पीछा सा है, वैसे ठीक है नो डाउट भरी भरी सी है गाड़ी, पर ये वाला कंसोल थोड़ा सा और ऊपर होता ना तो और सही लगती, जैसे स्कॉर्पियो एन में है
तो ऐसे ही कुछ स्टेयरिंग है, यहाँ पूरे कंट्रोल्स हो गए आपके वाइपर वगैरह के, यहाँ लाइट्स के कंट्रोल हो गए हैं पूरे, और ये इधर भाई सारे अपने ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, अपना ग्लास होल्डर, ये लाइट लाइट हो गई भाई, ये दोनों। ओ भाई ये लगा सबसे तगड़ा, पूरी गाड़ी में सबसे अच्छा ये लगा भाई मुझे तो, बस और कुछ नहीं लगा। ये पूरे कंट्रोल्स वगैरह हो चुके हैं, यहाँ हो गए अपने भाई सारे मिरर के कंट्रोल्स, पूरी गाड़ी ठीक ठाक है नो डाउट। ये हो गया अपना स्टार्ट स्टॉप का बटन, अगर दिखाना चाहूँ तो ये बेस मॉडल से आ रहा है इसके अंदर दोनों का, ये भाई आपको भी लगी ऐसे बैठ के मतलब छोटी छोटी थोड़ी सी सीटें वगैरह ना, हाँ ये भी चौड़ाई चौड़ाई भी कम लग रही है ये चीज़, और वो चीज़ मतलब टच सी हो रही है ऐसे, ये चीज़ तो स्कॉर्पियो में बैठती है, स्कॉर्पियो में बैठती है। तो भाई अगर देखा जाए भाई जैसे बोल रहे हैं कि भाई को भी छोटी लगी, और एक दो बंदों से और मैंने रिव्यू ले लिया भाई छोटी सी है, मतलब आगे साइज है थोड़ा कम इसके अंदर। और भाई कमेंट करके बताओ कि भाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके आगे का क्या प्रोसेस वगैरह है, अभी कोई भाई इसकी बुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है कुछ भी, तो अभी ये ओनली बस ऐसी है ये देख सकते हो। तो अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई 3 तारीख से, 14 तारीख से इसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट है, 14 तारीख को भाई हम इसकी टेस्ट ड्राइव देखते हैं। अगर आप कमेंट करोगे सबसे ज़्यादा कि भाई स्विफ्ट ब्रेक के ये लें या क्या लें, फिर थोड़ा सा देखते हैं डिसाइड करते हैं, है ना। वैसे गाड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ना। तो पूरी वीडियो भाई ये थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी गाड़ी आप सभी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।